कभी गलती से उनके कमरे में चले गए, जो उनके कमरे में रखी हुई किताबें देख के तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे। सर इतनी किताबें, हम तो नेट पे ये सर्च करते हैं कि विच बुक इज सफिशियंट फॉर जेई एडवांस, यहां देख रहे हैं इसने मैथ की किताबें 10 रख रखी है। हाँ, और यहां से मैं आपको एक चीज फील करवाना चाहूंगा प्लीज, और इस सेंटेंस की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप जेई एडवांस का पेपर देने जा रहे होंगे, जो कि अभी बहुत दूर है सर। जो सवाल जेई एडवांस में आते हैं वो किताबों में छपते हैं। तुम्हारा जो अगला लॉट आएगा, तुम्हारे बाद में जो नए चिंटू चिंटी आएंगे, उनके सामने ये सवाल जाएंगे जो तुम्हारे पेपर में आएंगे, और वो इनको उतने ही शिद्दत, उतने ही प्यार से, उतने ही आराम से सॉल्व कर देंगे जितने आराम से तुम अभी किसी और के जेई एडवांस में आए हुए सवाल सॉल्व कर देते हो। तो व्हाट इज दैट स्टेटमेंट जिसको मैं बोल रहा हूं कि आपको जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, जिस पेपर को आप देने जा रहे हैं उसके सवाल आसान है, और वो जब आपके सामने ऐसे लाए जाते हैं तो आप उस सवाल की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो बस सर, और कुछ नहीं होता जेई एडवांस वाले दिन, हमारा इन टोटल चेक किया जाता है। इन टोटल अगर सेग्रीगेटली चेक करें ना, अलग अलग सवाल देके, सर हम रेल बना दें जेई एडवांस की। इन टोटल मतलब एक तो सारे के सारे एक साथ आगे सर सवाल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक ऊपर से हमारे ऊपर एक अननोन प्रेशर है और वो होगा। तो ये जो सेंटेंस मैं आप बोलने वाला हूं वो आपको उस दिन के लिए कॉन्फिडेंस देगा। ऑल्दो मैं आपको दोबारा भी बोलूंगा जब आप जाओगे, क्या है कि जो सवाल आपके सामने अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं तुम्हारे जेई एडवांस वाले, वो इतने आसान है कि अगले साल वही तुम्हारी उम्र वाले लड़कों के सामने आएंगे और वो उनकी धज्जियां उड़ा देंगे, और तुम जैसे इनकी उड़ाते हो। तो मतलब सर पेपर तो वही आएगा जो हमें पढ़ाया गया, और वैसा ही। तो फिर क्या करना है, अपने आप को काबू में रखना है, अपनी सारी सेंसेस पेपर पे लगानी है, बिना डरे बिना घबराए पेपर के साथ भिड़ जाना। क्या मेरी बात समझ गए? यस। पेपर आपका टेम्परामेंट चेक करता है, पेपर आपका नॉलेज भी चेक करता है, बट उसका लेवल कम होता है, समझ में। वो सब बातें कि पिताजी बाहर बैठे हैं, पापा और मम्मी सर बाहर गार्डन में इंतजार कर रहे हैं, आप 6 घंटे के लिए पेपर दे रहे हो, पानी की बोतल लिए बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा बेटा या बेटी पेपर देने अंदर गया हुआ है, आज उसका क्या होगा, ये सब बातें घूमकर उसको बड़ा बना रही है पेपर को, जबकि वो है कुछ नहीं। सर ये सवाल आपने दिया है, अगली क्लास में आप आओगे हम इसमें ऑप्शन टिक कर लाएंगे। तो ये 2020 में ही तो आया है, क्या दिक्कत है इसमें भाई? ऐसी कौन सी बात यहाँ पे छपी हुई है जो तुम्हें नहीं पता, समझ पा रहे हो? तो कुछ और चीजें हैं जो उस पेपर को बड़ा बनाती है, आप बड़ा मत बनने दीजिए उस पेपर, बी रिलैक्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना? तो इसको ध्यान रखना प्लीज, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज इसको करके आइएगा। पैराबोला और एलिप्स दोनों इन्वॉल्व है, आराम से सारी चीजें पढ़ लेना, बिल्कुल मत घबराना, ऐसा सोचना कि आप पेपर में ही बैठे हैं और आपको ये सवाल सही करना ही है, आया ना? मैं ये नहीं बोलूंगा कि एडवांस इजी है, कोई भी चीज इजी तब लगती है जब आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो, और प्रिपरेशन स्ट्रांग तब होती है जब आपकी कंसंट्रेशन, डेली हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रांग हो, और वो तब बनती है जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। और सर अंदर से स्ट्रांग कैसे होते हैं? अंदर से स्ट्रांग होने का एक ही तरीका है कि बस फाइट मारते रहो, भिड़ते रहो, समझ में आया? जिस चीज से डर लग रहा है तुम्हें पढ़ने से, एक बार करके तो देखो सर, एक बार आज कोशिश करते हैं 10 घंटे पढ़ने की, देखते हैं कि क्या ऐसा जिंदगी में कमी आती है हमारे, और 10 घंटे पढ़ के उठो तो अच्छा ना लगे तो बताना, समझ में आया? तो सारी चीजें लिंक्ड है, आप डायरेक्टली एंड पे पहुंचना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा जी, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी, और किस एक्सट्रीम तक सर डोंट नो, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारे लोग हैं और वो किस एक्सट्रीम तक जा रहे हैं आपको नहीं पता है, आप तो अपने कमरे में बैठे, कभी गलती से उनके कमरे में चले गए, जो उनके कमरे में रखी हुई किताबें देख के तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे। सर इतनी किताबें, हम तो नेट पे ये सर्च करते हैं कि विच बुक इज सफिशियंट फॉर जेई एडवांस, यहां देख रहे हैं इसने मैथ की किताबें 10 रख रखी है, समझ में आया? तो एक्सट्रीम सबका अलग अलग है, तो सर हम दूसरों के एक्सट्रीम को कैसे मैच करें? अपना एक्सट्रीम बढ़ा दो, अपना जो मैक्सिमम है उसको मैक्सिमाइज कर दो, बोले सर इससे आगे मैं नहीं जा सकता, ऐसे करने को तो पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ये जो जंग जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जंग नहीं है भैया, ये एक युद्ध है, और यहां पर कायर बनकर अपने आप को बेचारा रखते हुए, बहाने आगे रखते हुए आप नहीं लड़ सकते, समझ में? और जबरदस्ती आप अपने आप को ही बेचारा बना रहे हो कि मत पढ़, कोई बात नहीं, स्कूल के पेपर आ गए इस वजह से, चलो बाद में पढ़ूंगा। स्कूल के पेपर सबके होते हैं, कौन सा ऐसा इंसान देखा है जो 12वीं के पेपर दिए बगैर ही वहां चला गया, जेई एडवांस में या जेई मेंस में कॉलेज में एडमिशन मिल गया जिसको, सबके होते हैं। तो तुम क्या अलग थोड़ी हो भाई? अच्छा सर ये बात तो सोचने वाली है ना,
ठीक है, जिन बहानों को तुम लेके बैठे हो ना, तुम्हारे लिए जो बहुत बड़े बहाने हैं, तुम्हारे लिए जो बहुत बड़े बहाने, मतलब हमारे सर सबसे बड़ा जो हमारी मुश्किल है ना, वो ये है, जो मेहनत करने वाला इंसान है ना, वो उनकी तरफ, मतलब उसके बहाने अगर मैं तुम्हें, मतलब उनके रियल जो होते हैं ना एरर्स, या एरर तो गलत हो जाएगा, उनकी जो रियल डिस्ट्रेक्शन है या फिर जो रियल उन पे प्रेशर है वो दिखाऊं, तो तुम्हें बहाने अपने आप को मजाक लगेंगे। बोले सर हम तो ये सोच रहे थे, टाइम नहीं मिलता सर दिन में, क्या करें, आप कोई स्ट्रेटेजी बताओ, हमें टाइम नहीं मिलता, हम तो इस बात को लेकर परेशान है। और जबकि उस तरफ कुछ लोग अपने परिवार का पेट भी पाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, रात रात जग भर जग कर पढ़ाई भी कर रहे हैं और पेपर की धचिया भी उड़ा रहे हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की रैंक से सेलेक्ट हो रहे हैं, नहीं। बोले सर सब ये लो एक तरफ कर दिया, काम खत्म, अब बताओ अगला क्या। सर हमारे लिए तो ये था कि टाइम कैसे निकाले, और दूसरी तो तुम्हारी उम्र के लड़के या लड़कियां समझ में आया, तो जो तुम लेके बैठे हो ना अपनी गोदी में बहाने, वो अगर किसी और को दिखाओगे वो तो बोले सर हम तो ये देखते भी नहीं, ये भी कोई बहाने हैं। बोले अगर ऐसा हमारी जिंदगी में वो बोले हम रैंक वन दो बार ला दें, तो थोड़ा सा चेंज हो जाइए प्लीज। और जिस दिन के इंतजार में आप बैठे हैं कि एक दिन ऐसा होगा और सब बदल जाएगा, वो दिन आज ही है। सर आज तो कुछ खास नहीं है, तो उस दिन भी कुछ खास नहीं होगा बेटा। जिस दिन के तुम इंतजार में बैठे हो ना कि एक दिन ऐसा आएगा सब बदल जाएगा, सब सुनहरा हो जाएगा, मैं अपने आप पढ़ने लगूंगा, मेरे नंबर आ जाएंगे, वो दिन आज ही है। मेक ए नोट ऑफ दिस। आप ढूंढ रहे हैं कैलेंडर में अगला मंगलवार, रविवार, मंडे, सर बोर्ड्स के बाद वाला पहला मंडे, आज ही है वो। और गुस्सा बिल्कुल नहीं हो, सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं, समझाने की इंटेंसिटी थोड़ी अलग है, तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि सर आप डांट रहे। नहीं डांट रहा भाई, आज तुम्हारे पे चिल्लाना या डांटना फ्रूटफुल कहलाएगा अगर कल तुम IIT बन जाते हो तो, या फिर मेरी डांट से तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है तो। अभी हम मिल नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं कि सर थैंक यू सो मच, मजा आ गया, सेलेक्ट होने के बाद में प्रेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अगर मेरी इस डांट से, मेरी इस बात से आज अगर कोई एक भी बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दे आज से ही, विदाउट ये सोचे कि क्या होगा, अब मैं IIT बन पाऊंगा कि नहीं, आज से पढ़ना शुरू करूंगा तो क्या होगा, सोचोगे तो फिर पढ़ कहां पाओगे यार, दिमाग में इतनी सी तो जगह है, एक चीज को लेके बैठ जाओगे पढ़ोगे कहां फिर, समझ गए। तो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे।